मैं हूं आपकी मेजबान नारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का मलका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वो दुनिया में मेरे पसंदीदा लोगों में से एक थी। मलका का कैनेडा के साथ खास तौर पर करीबी जाती ताल्लुक था। टोरंटो और ओटावा में मेयर्स को जिमनी कवानीन को वेटो करने के इख्तियार दे दिए गए। ओंटेरियो असेंबली में बिल पास कर दिया गया। ये बिल मेयर्स को उन बायलोज को वीटो करने का इख्तियार देता है जो सूबाई तरजीहात से मुतसादिम हों। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा की इतवार के रोज़ शहर में बारिश की पेशगोई। इतवार से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। मलिका एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। बरतानवी मलका एलिजाबेथ 96 बरस की उम्र में चल बसी। आलमी रहनुमाओं का मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तुर्किया दूसरे रोज भी आतिशजदगी। हजार से ज्यादा अफराद का इनखला। आग बुझाने वाले 29 हेलीकॉप्टर, 11 तैयारे और 850 अफराद आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में शामिल। सैकड़ों घर और दो होटलों को आतिशजदगी के खतरे के पेश नजर खाली करवा लिया गया। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines aapne mulahiza ki aur ab khabrein tafseel ke saath. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मलका एलिजाबेथ के इंतकाल पर कहा है कि कैनेडियन अवाम मलका की मुल्क और दौलत मुश्तरका के लिए कई दहाइयों की खिदमात के लिए शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मलका एलिजाबेथ की मौत के फौरन बाद बयान जारी करते हुए कहा कि कैनेडियन अवाम मलका की मुल्क और दौलत मुश्तरका के लिए कई दहाइयों की खिदमात के लिए शुक्रगुजार है। कैनेडियन दारुल हुकूमत ऑटावा में मलका की मौत के ऐलान के बाद पीस टावर पर परचम सरंगू कर दिया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक कैनेडा को मलका एलिजाबेथ दोइम की मौत के बारे में सबसे भारी दिल के साथ मालूम हुआ। ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा कि ये उनका कहना था कि ये सबसे भारी दिल के साथ था कि हमने कनाडा की सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली खुद मुख्तार उसकी अजमत की मलका के इंतकाल के बारे में सुना। वो हमारी जिंदगियों में एक मुस्तकिल मौजूदगी थी और कैनेडियनों के लिए उनकी खिदमत हमेशा हमारे मुल्क की तारीख का एक अहम हिस्सा रहेंगी। ट्रूडो ने विंडसर कैसल में अपनी मार्च 2022 की मीटिंग का हवाला देते हुए कहा, मुझे ये यकीन करने में दुश्वारी हो रही है कि इसके साथ मेरी मुलाकात आखिरी थी। कोविड से सेहतयाब होने के बाद ट्रूडो मलका से मिलने वाले पहले शख्स थे। उनका कहना था कि ये एक निशानी है। कुछ महल देखने वालों ने कहा कि ये मलका की वजीर आजम से मोहब्बत की अलामत है। उनका कहना था कि मैं इस गुफ्तगू को बहुत याद करूंगा। वो दुनिया में मेरे पसंदीदा लोगों में से एक थीं और मैं उन्हें बहुत याद करूंगा। जब वो अपने दौरे हुकूमत में बहुत से ममालिक की सरबरा थीं, मलका का कनाडा के साथ खास तौर पर करीबी जाती ताल्लुक था, जहां वो कनाडा और बैरून मुल्क रहते हुए बार बार घर के तौर पर हवाला देती थीं। उन्होंने मुल्क के 22 सरकारी दौरे किए, हर सूबे और इलाके का दौरा किया। ऑटावा ने मलका की मौत के लिए अपना मनसूबा पोशीदा रखा, लेकिन इस बात का इम्कान है कि हुकूमत किसी हद तक हुकूमत कनाडा के मैनुअल ऑफ ऑफिशियल प्रोसीजर पर इन्हिसार करेगी जो 1968 में प्रीवी काउंसिल ऑफिस ने तैयार किया था। तहम बहुत कुछ वजीर आजम की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि अगले चंद दिनों में कुछ वाकियात कैसे सामने आएंगे। ओंटेरियो सूबे के वजीर आला डग फोर्ड ने कहा है कि वो मजीद म्यूनसिपलिटीज को इख्तियारात बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो और ऑटावा के अगले मेयर्स अब कुछ जिमनी कवानीन को वीटो करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ओंटेरियो की मुकन्नना ने एक बिल पास किया है ताकि रहनुमाओं को ज्यादा तेजी से मकान बनाने के लिए मेयर के नाम नहाद ताकतवर इख्तियारात दिए जाएं। ये बिल मेयर्स को उन बालाई लॉज को वीटो करने का इख्तियार देता है जो सूबाई तरजीहात से मुतसादिम हो, जैसे कि हाउसिंग की तामीर। एक काउंसिल मेयर के वीटो को दो तहाई अक्सरियती वोट से रद्द कर सकती है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने इस मंसूबे की हिमायत का इजहार किया है, जबकि ऑटावा के सुबकदोश होने वाले मेयर
और उनकी जगह लेने के दो आला दावेदारों ने कहा है कि वो इसके हक में नहीं है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि ये कानून साजी प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से अक्टूबर के बल्दियाती इंतखाबात से कबल म्यूनसिपल सियासत में मदाखलत के मुतरादिफ है। सूबे के वजीर आला डग फोर्ड ने कहा है कि वो मजीद म्यूनसिपलिटियों को इख्तियारात बढ़ाने का मनसूबा बना रहे हैं। ऑन्टेरियो की म्यूनसिपलिटीज के एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सूबे को मजीद शहरों तक ताकत को वसत देने का इरादा है तो इसे वसी मशावरत करनी चाहिए। कानून साजी मेयर्स को काउंसिल के बजाय अपने शहर का बजट तैयार करने और उसे टेबल करने की जिम्मेदारी देती है। काउंसिल के बजाय एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का तकर्रुर और महकमे के सरबराहों की खिदमात हासिल करना और बरतरफ करना शामिल है। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में तेज धूप भी निकली रहेगी जबकि बारिश का भी इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में तेज धूप भी निकली रहेगी जबकि बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज तेज धूप निकली रहेगी जबकि दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जो रात के औकात में 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इतवार के रोज शहर में तेज बारिश का इम्कान है जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 28 और रात के औकात में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के सताए शहरी पीर से सुख का सांस लेंगे। इतवार के रोज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा जबकि दर्जा हरारत में कमी के साथ शहरी हल्के सर्द मौसम का मजा भी ले सकेंगे। मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और वली अहद 73 साला चार्ल्स बादशाह बन गए। बिकंगम पैलेस ने अपने ऐलामिये में चार्ल्स को बकायदा किंग चार्ल्स स्वयं का खिताब दे दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और वली अहद 73 साला चार्ल्स बादशाह बन गए। बिकंगम पैलेस ने अपने ऐलामिये में चार्ल्स को बाकायदा किंग चार्ल्स स्वयं का खिताब दे दिया। शाही महल बिकंगम पैलेस की जानिब से जारी ऐलामिये में चार्ल्स को बाकायदा किंग चार्ल्स थ्री का खिताब दे दिया गया है। शहजादा विलियम और शहजादी के ड्यूक और डिचेस ऑफ कार्नवाल होंगे। ऐलामिये में कहा गया है कि बादशाह चार्ल्स अपना नाम तब्दील करने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए वो शाह चार्ल्स, किंग आर्थर, किंग फिलिप या किंग जॉर्ज में से कोई एक नाम अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। नए बादशाह दौलत मुश्तरका के 14 ममालिक के सरबराह की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तख्त नशीनी का सबसे अहम लम्हा ताज पोशी का होगा जब चार्ल्स को बाकायदा ताज पहनाया जाएगा। इस तकरीब की तैयारी के लिए वक्त दरकार होगा, इसलिए ये चार्ल्स की तख्त नशीनी के फौरन बाद मुमकिन नहीं हो सकेगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तौर पर मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात की अदायगी दो हफ्तों के अंदर ही वेस्ट मिनिस्टर एबी में होगी। ये वो तारीखी चर्च है जहां बरतानिया के बादशाहों और मलकाओं की ताजपोशी की जाती है। मलिका एलिजाबेथ दोम की 1947 में शहजादा फिलिप से शादी और 1953 में उनकी ताजपोशी भी इसी चर्च में हुई थी। वाजह रहे कि गुज़िश्ता रोज इंतकाल करने वाली मलिका एलिजाबेथ दोम ने फरवरी 1952 में तख्त संभाला था, ताहम उनकी ताजपोशी की तकरीब जून 1953 में मुनक़िद हुई थी। मलिका को बकिंघम पैलेस से एक जुलूस के साथ वेस्ट मिनिस्टर हॉल लाया जाएगा जिसमें फौजी परेड और शाही खानदान के अफराद भी मौजूद होंगे। जैसे ही मलिका के ताबूत को वेस्ट मिनिस्टर हॉल में पहुंचाया जाएगा तो वहां आवाम को भी दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। बरतानवी आवाम भी इस जुलूस को देख सकेंगे क्योंकि मलिका की आखिरी रसूमात को बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान है। मलिका की आखिरी रसूमात में आलमी रहनुमा भी शाही खानदान के अरकान के हमरा शामिल होने के लिए बरतानिया पहुंचेंगे जबकि बरतानिया के सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीरे आज़म भी वहां मौजूद होंगे। आलमी रहनुमाओं की जानिब से मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वो एक एहसास और बेमिसाल बावकार शख्सियत की मालिक थी। मलिका के साथ दहाइयों के इक्तदार में बेमिसाल इंसानी तरक्की और इंसानी वक़ार को फरोग मिला। तुर्किया के जनूबी इलाके में वाके जंगलात में लगी आग दूसरे रोज भी बुझाई ना जा सकी। रेस्क्यू इदारों की जानिब से 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्किया के जनूबी इलाके में वाके जंगलात में लगी आग दूसरे रोज भी बुझाई ना जा सकी। रेस्क्यू इदारों की जानिब से 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों घर और दो होटलों को आतिशबाजी के खतरे के पेश नजर खाली करवा लिया गया था। आग में झुलस कर जख्मी होने वाले 7 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज है। जिला गुलनार साहिली सूबे मरसीन का इलाका है जहाँ आतिशबाजी हुई और तेज हवा की वजह से मलहका जिला
सिलिवके में भी फैल गई। तुर्किया की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आग बुझाने वाले 29 हेलीकॉप्टर, 11 तैयारे और 850 अफराद आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में शामिल हैं। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। अपनी मेजबान नारिफ खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।